मैं पहुंच चुकी हूँ मम्मी के घर। ये वर्षा का है। मैं क्या करती हूँ ना, मैं थोड़ा सा लूज सिलवाती हूँ, पजामा टाइप में। भी उसने वही चीज़ किया जब उसका वेट थोड़ा कम हो गया। और ये आई हुई है तैयार होने के लिए। वहाँ पे पापा ने बहुत पहले कई सारे ऐसे पेड़ लगाए हैं, जैसे कि अमरूद का और नींबू का, अनार का। तो बिल्कुल मतलब साइज देखो, इतना बड़ा नींबू मिलता है मार्केट में। किसका पिटा रहे हो? ये दोनों का पिटा रहा है। दो मेरे भी लगे हैं बिना सभी पूरे पूरे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। आज है 18 तारीख और मैं पहुंच चुकी हूं मम्मी के घर। और आए हुए तो मुझे बहुत टाइम हो चुका है, बट अब जाके थोड़ी सी मेरी हिम्मत हुई है ब्लॉग करने की। हिम्मत क्या हुई है, मुझे कुछ चीज़ें दिखानी थी। मम्मी ने सिलवाए हैं कुछ सूट, जो कि कुछ वर्षा के हैं कुछ मम्मी के हैं, तो मैं लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इतने बढ़िया बढ़िया सूट है, लाइक दिस वन कितना प्यारा लग रहा है, ऑफिस वगैरह के लिए कितना अच्छा लगेगा। सो ये आई थिंक वर्षा का है, मनु का है ना? ये वर्षा का है। और पैंट वाला आई थिंक वर्षा ने सिलवाया। मैं हमेशा पैंट वाला सूट ही सिलवाती हूँ, क्योंकि मुझे वही कंफर्टेबल लगता है। सलवार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अच्छा, ये सारे वर्षा के। और सेम अब वर्षा ने भी यही किया है कि कंफर्टेबल बहुत होता है पैंट वाला सूट में, तो वही चीज़ वर्षा ने भी फॉलो किया है और उसने भी पैंट वाला सूट बनवाया। और एक तो ये वाला है, प्लस उसके बाद एक ये पिंक, ये भी बहुत क्यूट है। मतलब इसको आप, इसके साथ का पजामा भी बन के नहीं आया ना? अच्छा, इसके साथ का भी पजामा ही बनवाया, ऐसा पैंट टाइप का ही। ये मतलब प्रॉपर पैंट नहीं है, पैंट होती है ना बिल्कुल टाइट फिटेड पैंट होती है। मैं क्या करती हूँ ना, मैं थोड़ा सा लूज सिलवाती हूँ पजामा टाइप में, और बहुत ही अच्छी शेप भी आती है, बहुत ही अच्छा भी लगता है, कंफर्टेबल भी रहता है। तो सेम चीज़ उसने भी कराई है, तो ये उसी स्टाइल में बनवाया है। तो इसका भी ये पैंट या पजामा जो भी आप बोलो वो भी बन के नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, और ये वाला है मेरे वाले सूट के साथ का, जो सूट मैंने पहना था जब हम लोग थार लेके आए थे, डिलीवरी जिस दिन लेके आए थे तब मैंने जो सूट पहना हुआ था, उस सूट के साथ का ये वाला सूट है। और ये हमें मम्मी ने बेसिकली दिया था दादी की जब तेरामी की थी, तो उसमें बेसिकली सारी लड़कियों को सूट देते हैं, तो ये वो वाले सूट है। और ये वाला वर्षा ने अब सिलवाया है। एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि आफ्टर प्रेगनेंसी उसको लग रहा था कि पता नहीं वेट इतना मतलब जाएगा नहीं जाएगा, कितना जाएगा, एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाए तब उसके बाद सूट बनवाया। तो अभी उसने वही चीज़ किया, जब उसका वेट थोड़ा कम हो गया, थोड़ा क्या अच्छा खासा कम हो गया, तब जाकर उसने सूट बनवाया। तो ये वाला उसी का सेट, मतलब मैंने मेरा दूसरा है उसका, ये उसने ये वाला पसंद किया था। उसके बाद है ये वाला, इसका आई थिंक सिर्फ ये कुर्ता है ना, इसका पजामा भी है। अच्छा, तो ये इसका पजामा है। ये कहाँ से ली थी मम्मी? दिल्ली? नई दिल्ली? वो पुरानी दिल्ली? अच्छा, रोहतक का है वो। तो ये मम्मी रोहतक से ले गई, पीले वाले के। इसका भी अभी आया नहीं है पैंट बन के ना, इसकी भी पैंट बनवाई है, वो भी बन के नहीं आई है। यो कहाँ का है? यो भी वहीं का। अच्छा, मेरे एक्चुअली मैं ऑलरेडी सिलवा के पहन के ख़राब भी कर चुकी हूँ उसमें से एक सूट, लेकिन वर्षा ने अब सिलवाए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उसका जो भी इशू था उसकी वजह से। वाह, इसकी चुन्नी कितनी अच्छी है, ये बहुत ही अच्छा लगेगा यार ये वाला सूट ना, ये मैं सोच रही हूँ मैं रख लूँ, मारेगी इतना ना। तो ये भाई साहब वर्षा की न्यू साड़ियाँ हैं, और ये आई हुई है तैयार होने के लिए। वाह, तो बहुत खूबसूरत है यार। मैंने साड़ी लेनी चाहिए, पहननी चाहिए, है ना? मैं बिल्कुल भी ना पहनती, मतलब ऐसा शौक सा ही ना होता पहनने का, मतलब मन ही ना होता। मुझे बांधनी आती नहीं है, तो मुझे ऐसा मन नहीं होता कि मैं साड़ी पहनूं, और पहनूं भी कहाँ, ऑफिस पहन के जा नहीं सकती, घर पे पहनने का कोई मतलब नहीं बनता। एक ये है और एक ये है, ये वाली भी बहुत प्यारी है।
ये मेरे सूट सिलवाए तो ऐसा तो तूने पहले भी सिलवाया ना ये गर्मिया के मतलब के है सारे बढ़िया एकदम। तो ये भाई जो मेहरोली एक बार वर्षा आई थी ना तब उसने शॉपिंग करी थी, मैं उस टाइम दिखा नहीं पाई थी, ये सूट तब उसने लिया था, बहुत ही सुंदर सूट है, लाइट में अभी पता नहीं चल रहा पर वैसे बहुत सुंदर है। तो भाई मैं आ चुकी हूँ घर और अभी बज रहे हैं 7:30, अभी आके बस मैंने मुँह हाथ धोया है और अब मैं खिलाने वाली हूँ, टेस्ट कराने वाली हूँ मैक्स और ब्रुनो को बक्कू मिठाई मिठाई मिठाई। वेट करो वेट तो गाइस मैंने बना ली है अभी फ्रूट चाट और ये जो फ्रूट है ये बेसिकली जो अमरूद है ये है पापा के लगाए हुए पेड़ में से टूटा हुआ अमरूद। एक्चुअली मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि पापा को गार्डनिंग का बहुत शौक है और जो हमारा मंदिर है जहाँ पे मेरी शादी हुई थी, जहाँ पे मैं कई बार पहले भी ब्लॉग में आपको लेके जा चुकी हूँ, वहाँ पे पापा ने बहुत पहले कई सारे ऐसे पेड़ लगाए हैं जैसे कि अमरूद का और नींबू का अनार का बहुत सारे मतलब पेड़ लगाए हैं। तो उसी में से पापा आज लेके आए थे जो गिर जाते हैं, ना कि तोड़ के, जो गिर जाते हैं अमरूद पक के जो गिर जाते हैं, कुछ कच्चे कुछ पके हुए, तो वो अमरूद पापा लेके आए थे तो उसमें से उन्होंने मुझे अमरूद दिए थे और अभी मैंने बस वही काटे हैं, बहुत ही बढ़िया है। प्लस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये पापा ने नींबू के पेड़ लगाए थे उसमें से नींबू टूट के गिरे हैं, अब देख रहे हो साइज़ प्योर नींबू, मतलब मैं बोल सकती हूँ इनको कि क्योंकि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, पापा ने खुद वो पेड़ लगाया था और खुद आज वो फल दे रहा है, तो बिल्कुल मतलब साइज़ देखो, इतना बड़ा नींबू मिलता कहाँ है मार्केट में। तो ये फ़र्क है अगर आप घर पे नेचुरल कुछ चीज़ अगर आप बनाओ, तो हमारे पास इतना आप बोल सकते दिल्ली में इतनी जगह तो है नहीं, पर मंदिर पे ही पापा ने अपना शौक पूरा करने के लिए कभी पेड़ लगाया था और आज वो फल दे रहा है।